हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग वाई विद अंशु रॉय। सो आज मैं हूँ किचन में और बनाने वाली हूँ रेड साग, जिसकी रेसिपी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे ये साग बहुत ज़्यादा पसंद। आई डोंट नो आपके स्टेट में ये साग मिलता है या नहीं मिलता, बिकॉज आई नो अबाउट आसाम एंड मेनी मोर लाइक स्टेट्स जहाँ पे ये साग नहीं मिलता। मेनली नॉर्थ साइड में ये चीज़ें मिलती है। सो मेरा रेड साग ये देखो रेडी है। इसको अगेन मैं वॉश करूँगी एंड चलो बनाते हैं, इसको कुक करते हैं। और कैसा बनता है वो तो मैं खा के ही बताऊंगी, लेकिन आप लोग अगर अभी तक नहीं खाए हुए साग तो ज़रूर खाना। चलो गाइस, किचन में तो मैं ऑलरेडी हूँ। सो पैन को गर्म करते हैं एंड बनाते हैं। सो पैन हीट होने के बाद ऑब्वियसली सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि जस्ट लाइक साग, सो कम ही ऑयल डालना। गाइस जीरा इज़ कम्प्लीट ऑप्शनल। डालेंगे इसमें रेड चिलीज, डालेंगे इसमें अनियन, एंड मुझे इसके साथ चना बहुत पसंद है तो मैं डाल रही हूँ चना। चना आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितना भी खाना है। मुझे चना नॉर्मली भी बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। तो ये चने को आप अच्छे से फ्राई कर लेना। पॉइंट पे सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, वैसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हो बट मैं अभी ऐड करूँगी। तो गाइस ये हो गया है फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे अपना रेड साग जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सो अब इसको आराम से डाल दो एंड ये सारे ना डिजॉल्व हो जाएंगे थोड़ी देर में। अभी आपको लग रहा होगा यार ये कढ़ाई से बाहर आ रहा है पैन, इतना ज़्यादा बाहर हो गया है पैन से, इतना ज़्यादा बाहर साग दिख रहा है, बट नहीं, ये थोड़ी देर में डिजॉल्व हो जाएगा एंड बहुत ही कम क्वान्टिटी हो जाएगा। वैसे भी ये साग की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि बस दो बंदे को खाना है। इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये साग, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है। जितना देखने में खूबसूरत लगता है उतना खाने में भी लगता है। और इस साग में आपको हल्दी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेड साग है तो इसका कलर बनने के बाद भी रेड आएगा, तो आपको लाइक टर्मरिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट इट कुक नाउ। इसके बाद फिर जैसे जैसे ये डिजॉल्व होता है होने देते हैं एंड फिर उसके बाद ये जस्ट आई गेस 10 मिनट्स, इट विल टेक हार्डली और 15 मिनट्स। अब इससे पता चले कि ये साग कितना ज़्यादा फ्रेश है, कितना ज़्यादा टाइम लेगा। तो चलो लेट इट कुक एंड देन आपसे मिलते हैं। एंड ये देखो गाइस जस्ट विद इन 5 मिनट्स से कितना ज़्यादा गल चुका है, तो बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा। सो गाइस ये देखो ये किस तरीके से बन रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करा तो मैं उसका क्लिप्स लेना भूल गई क्योंकि ये थोड़ा मुझे ना मैंने इसको ज़्यादा देर तक बाहर छोड़ दिया था तो इसकी फ्रेशनेस ना साग की थोड़ी कम लग रही थी मेरे को, तो इसलिए मैंने वाटर ऐड करा। वैसे अगर बहुत फ्रेश ये वाली साग हो ना तो वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, पानी खुद ब खुद छोड़ता है। बट आप देखो कितने अच्छे से ये कुक हो रहा है। सो इट गोना टेक अराउंड मैक्सिमम 5 मिनट्स मोर टू गेट इट कुक्ड। सो चलो इसको बनने देते हैं। सो आप जब भी साग बनाना ना तो इसको ना मेरी मम्मा इस तरीके से ना मिक्स करती हैं सो दैट ये ना ये अच्छे से ना लाइक एक दूसरे में मिक्स हो जाए एंड कोई भी पार्टिकल्स यू नो लाइक कच्चा ना रह जाए क्योंकि इसके डंठल भी होते हैं ना। सो इसको हम अच्छे से तोड़ते हैं सारे डंठल को, तो सो दैट कि एक दूसरे में इंटैक्ट भी रहे चने के साथ एंड टेस्ट भी ना बड़ा बढ़िया आएगा इससे। सो चलो देखो आप ये साग का कंडीशन अभी कितना सही बन गया। इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे मैश करूँगी मिक्स करके सो दैट कि जितने भी इसके डंठल है ना सारे टूट जाए एंड अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाए। सो बस ये हो गया है ऑलमोस्ट। 2 मिनट में मैं इसको बंद कर दूंगी अब फ्लेम को। गाइस ये बन गया मेरा साग। सो आप देखो ये साग बन चुका है, मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। अच्छे से सारा कुछ यू नो मिक्स हो गया है। सो चलो अब खाते हैं। सो गाइस ये देखो हमारा साग और साथ में हमने लिया है वेजीज। चलो इसको इंजॉय करते हैं एंड थोड़ा इसको टेस्ट भी कर ही लेते हैं। हे गाइज, सो आई होप आपको ये मेरा इजी फीजी रेसिपी अच्छा लगा होगा साग का। सो अभी ट्राई ज़रूर करना है, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। सो चलो मैं भी इसको इंजॉय करती हूँ, आप भी ज़रूर करना। जब भी बनाना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये साग कैसा लगा। सो चलो गाइज बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर चैनल अच्छा लगा होगा, मेरे सारे वीडियोज अच्छे लगते तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड बहुत सारा प्यार दो। Bye guys, love you all, take care, good night.